देखो पी ब्लॉक अभी हम बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए हैं। मैं आपको हर बार कहता हूँ रिवाइज करने का, तो हम लोग चेक करते हैं हम लोगों को कितना आता है और कितना नहीं आता है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को उनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन इज सिलिकॉन डिजॉल्व्स, ठीक है, अपनी कॉपीज बंद कर देना सब लोग, इन एक्सेस ऑफ एच एफ फॉर्मिंग। योर ऑप्शंस आर SiF4, बी SiF6, H2SiF6 एंड डी H2SiF4। आंसर्स ए बी सी डी। ए सी, और कोई? सोचो सोचो आराम से, खेलना नहीं है, दिमाग पे जोर डालो। अगर क्लिक करता है तो आज के बाद हमेशा याद रहेगा। दिमाग पे जोर डालो। आपने पढ़ा है ये? किस टॉपिक से पढ़ा था आपने ये? लास्ट क्लास ही पढ़ा है शायद। हमने पढ़ा था ना सिलिका, नॉर्मल एसिड्स और बेसिस से रिएक्ट। दिमाग पे जोर डालो। नहीं करता है वो, दो एसिड्स और बेसिस से रिएक्ट करता है। कौन कौन से? एच एफ एंड एंड एन ए ओ एच। क्या क्या रिएक्शंस थी? ए और सी दोनों सिंगल चॉइस है। SiF4, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिलिक एसिड बताया था। सिलिसिक एसिड बनता है जब भी आप पास सिलिकन HF के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाएगा? H2SiF6। और NH के साथ क्या बनाता है? फॉर्मूला भाई कॉपीज बंद कर दो, वो आपको हेल्प नहीं करने वाली, कुछ लोगों की खुली हुई है। ये बात भी सही है, मैंने कुछ लिखा है नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन, इसको जानते हो? वाह, गैस ए बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू गैस पी। सेकेंड, गैस ए प्लस Cl2 गिव्स अ कंपाउंड डी विच ऑन हीटिंग विद NH3 गिव्स अ कंपाउंड ई। आइडेंटिफाई ए बी डी ई, ए बी सी डी ई। ए इज CO या CO2? चलो ए इज CO, बी सी डी CO Cl2। वेरी गुड। क्या नाम होता है इसका? इसे क्या नाम होता है? ये ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा आपने कभी। पी से ना होता, पी से फॉस जीन, ठीक है, दिस इज फॉस जीन। और ई क्या होगा? ई ई जब आपने NH3 नहीं पढ़ा ना अभी, चलो कोई बात नहीं, आपने ई नहीं पढ़ा। ई इज यूरिया, NH2CO NH2। सब्स्टिट्यूशन कह सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलो जी, बहुत अच्छा।
क्वेश्चन है एल्यूमिना इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ट्रू और फॉल्स? एंड आई हैव टू रीजंस फॉर दिस, इट हैज हाई लैटिस एनर्जी एंड लो हाइड्रेशन एनर्जी, लेकिन इट हैज लो लैटिस एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी. विच शुड बी, पहले तो बताओ स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, और इनमें से कौन सा रीजन करेक्ट होगा अगर ये ट्रू या फॉल्स है जो भी है. सोल्युबल होगा नहीं होगा? हाँ, वाटर एक्सेस में. हाइड्रेशन की बात करो तो वाटर हमेशा एक्सेस में. ट्रू, एल्यूमिना इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ट्रू. क्यों? इट्स ट्रू एंड द रीजन इज दिस. क्या Al2O3 कोवेलेंट कंपाउंड है? यस और नो बताओ. यस नो, इट इज एन आयनिक कंपाउंड. ये आयनिक लैटिस बनाता है जिसकी जिसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा. एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है. अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा. तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है? बहुत ज्यादा. लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ये कंपाउंड ब्रेक नहीं होगा. ब्रेक नहीं होगा तो ये वाटर सोल्यूबल नहीं होगा. ठीक है, जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड की वाटर में सोल्यूबिलिटी की बात करो, दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी. आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, याद कुछ नहीं करना होता, आपको रीजंस आने चाहिए बस. बाकी इनमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ रटना पड़ता है, आप इतना नहीं रट सकते, बट रीजनिंग आपके पास पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स कैन बी यूज टू मेक परमानेंट मार्क्स ऑन ग्लास? HNO3, HCl, HF एंड H2SO4. HF, why? ग्लास में क्या होता है? सिलिका. और सिलिका सिर्फ किससे अटैक हो पता है? HF से. ठीक है, तो लल्लू सा क्वेश्चन था ये. तो एक और क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज आपको दिया हुआ है बोरेक्स. इस बोरेक्स की रिएक्शन आपने करवाई कंपाउंड X से, तो ये बनाता है H3BO3. दिस गिव्स डेल्टा B2O3 gives y delta b. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है x और y को. HCl mg, b HCl c, c carbon and aluminium, d HCl and aluminium. A, B, C, D, सारे हो गए आंसर, ऑल आर करेक्ट.
देखो ये सब इसलिए है क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते हो घर जाके, ठीक है, टाइम नहीं मिलता होगा, आप लोग बहुत बिजी हो, मैं जानता हूं आपको टाइम नहीं मिलता है, पर टाइम क्या होता है, निकालना पड़ता है, टाइम किसी को भी नहीं मिलता, किसी के पास टाइम नहीं होता इतना कि वो पढ़ सके, बाकी सबके लिए टाइम होता है, ठीक है, सिटी मॉल जाने के लिए टाइम होता है, फेसबुक करने को टाइम होता है, मैसेज करने को टाइम होता है, लेकिन 10 मिनट ये पढ़ने को टाइम नहीं होता मेरे पास। अगर आप पढ़ते ना तो आप इसका आंसर एक बार में दे सकते हो, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन। बोरेक्स का आप एसिडिफिकेशन करते हो तो क्या बनता है, बोरिक एसिड, उसको हीट करते हो तो B2O3, क्रिस्टलाइन बोरोन चाहिए तो उसका मैग्नीशियम के साथ रिडक्शन करते हैं, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, रीजन ये हम लोग डे टू डे रिवाइज नहीं करते और सब कुछ साफ होता जाता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बट आपने एक या दो के करेक्ट आंसर्स दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग फ्रॉम, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, बी सी और कोई और देख लो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, इट्स सी, ये तीनों मेथड्स आपने पढ़े थे, इससे क्या बनता है, मैं बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट है, N2 प्लस विच इज अ ग्रीन सॉलिड, बताया था, ये कब यूज आती है, वेरी गुड, वेरी प्योर नाइट्रोजन जब आपको ऑब्टेन करनी है तो आप क्या करते हो, एजाइड को हीट करते हो, क्या क्या बनता है, मेटल प्लस नाइट्रोजन, दिस इज योर प्योर नाइट्रोजन, समझ में आता है, ये सब पढ़ा था हमने। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो क्या, उसमें NH4OH प्लस के पास वो बन जाएगा CaCl2। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, एक सेकेंड, कौन चला गया, SiH3 whole thrice N and CH3 whole thrice N, their structures are, स्ट्रक्चर एंड नेचर, थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने इस क्वेश्चन को, बट आप बता सकते हो, ऑप्शन ए प्लेनर एंड बेसिक, नॉन प्लेनर एंड बेसिक, ऑप्शन बी नॉन प्लेनर एसिडिक प्लेनर बेसिक, सी प्लेनर वीक बेस, नॉन प्लेनर वीक बेस, एंड द लास्ट वन इज
सेम प्लेनर वीक बेस, सेम नॉन प्लेनर स्ट्रॉन्ग बेस. डी सी और कोई? डी के लिए कितने लोग हैं? दो तीन और कोई? देखो आराम से देखो, पढ़ो, कोई लोड नहीं है, कोई जल्दी नहीं है. डी रीजंस कौन किस में? ये शो नहीं कर सकता. वेरी गुड. ठीक है, यहां पर क्या है? इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास पी ऑर्बिटल्स है, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो सकती है, जबकि यहां पे पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी. इसकी स्ट्रक्चर होनी तो क्या चाहिए? ट्राइगोनल, सॉरी इसके होंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल होनी चाहिए. ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए इसकी? एन एस आई एस आई एंड एस आई, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए. लेकिन इनके बीच में क्या हो रही है? पी पाई डी पाई बॉन्डिंग. और आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है जब भी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप होना है तो उनको एक ही प्लेन में होना जरूरी होता है, इसलिए स्ट्रक्चर किस में बदल जाती है? प्लेनर में. जबकि ये स्ट्रक्चर कैसी रहती है? नॉन प्लेनर. दूसरी चीज, इसके जो लोन पेयर्स थे वो कहां पे काम में आ गए? पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग में. तो अब ये लोन पेयर्स को डोनेट नहीं कर सकता, जबकि मिथाइल वाला आपके पास आसानी से डोनेट कर सकता है. इसलिए ये वीकली बेसिक है और ये क्या होगा आपके पास? स्ट्रॉन्ग. समझ में आता है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिला करेंगे, कोई दूसरी दुनिया से क्वेश्चंस नहीं आते हैं. आप जो पढ़ रहे हो वहीं से क्वेश्चन आएगा, बट बात यह है कि आप कितना याद रखते हो और आप लोग कितना रिवाइज करते हो. चलो आगे मूव करते हैं. हम लोगों ने नाइट्रोजन कंप्लीट कर ली थी, नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं, क्या क्या उसकी आपके पास प्रॉपर्टीज थी, और हमने देख लिया था. ठीक है, आज हम लोग आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं विद कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. इसमें आपका सबसे पहला कंपाउंड है NH3 अमोनिया. ठीक है, आप लोग अमोनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हो, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है. इट इज द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन. अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स की बात करूं तो कौन कौन से आएंगे? NH3, PH3, ASH3 एंड SBH3. इसे हम बोलते हैं अमोनिया, इसे हम बोलते हैं फॉस्फीन, ये क्या होगा पास? आरसीन. ठीक है, अगर आप मैं बात करो सबके सब क्या है, सबके पास एक एक लोन पेयर होता है. बताओ इनका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा टॉप टू बॉटम, इंक्रीज या डिक्रीज? क्यों क्यों? वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण. क्यों बढ़ेगा? साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट की टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है, दूसरी चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट की टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज. यानी टॉप डाउन जाने पर आपके पास इनका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज. मुझे बताओ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सी, बॉन्डिंग पढ़ी है ना आप लोगों ने, VACPR थ्योरी, आपको पता ना बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा? अगर घटेगा तो क्यों और बढ़ेगा तो क्यों? दो लोगों से तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को ये टॉपिक. और ये डिस्कस भी किया था मैंने आप लोगों से, अगर नोट्स उठा के देखोगे तो. बढ़ेगा? चलो चेक करते हैं. देखो बॉन्ड एंगल हमेशा क्या होता है? रिपल्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. रिपल्शन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा? उतना ही कम. रिपल्शन जितना कम होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा? उतना ही. जब भी आपको बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करने हो गो फॉर रिपल्शन. ठीक है, रिपल्शन चेक चेक करते हैं, दो को कंपेयर करते हैं. ये NH3 है, एच एच एच, इसको लेते हैं PH3 एच एच एंड. यहां पे इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है. कौन सा रिपल्शन होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर. तो जो भी बॉन्ड एंगल चेंज होगा किसकी वजह से होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से. अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन. अगर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को टाइटली होल्ड करके रखेगा. अगर ये टाइटली होल्ड करके रखेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा मूव नहीं कर सकता. मान लो इतना मूव कर सकता है, तो इसके कंपैरिजन में फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा डिस्टेंस तक मूव कर सकता है क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है.
बताओ रिपल्शन ज्यादा कहां होगा? इसमें अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। यानी टॉप टू बॉटम मूव करने पर आपके पास बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, दूसरा साइज भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो दोनों ही केसेस में रिपल्शन क्या होगा? बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ेगा तो आपके पास बॉन्ड एंगल क्या होगा? समझ में आता है? यानी यहां पर हम सिंपली कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जब सराउंडिंग एटम सेम हो और सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी उसका बॉन्ड एंगल भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर सराउंडिंग एटम सेम हो और सेंट्रल एटम सेम हो और सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो तब वो सेंट्रल एटम की सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल केस ये होता NF3, NCl3 और NBr3, तब सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा NF3 में, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। यानी इट डिपेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ये लिख लो, बॉन्डिंग में काम आएगा आपके। बेसिक कैरेक्टर यहां पे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा यहां पर देखो, यहां बैकबॉन्डिंग का सवाल ही नहीं क्योंकि हाइड्रोजन के पास पी ऑर्बिटल्स तो वो तो भूल जाओ। अब सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी पे। नहीं आएगा। चलिए आगे। चलो तो ये थी आपकी अमोनिया, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन का हाइड्राइड। अगर आप अभी अमोनिया के स्ट्रक्चर भी देखेंगे तब बात करेंगे आगे। सबसे पहली चीज कैसे बनती है एटमॉस्फेयर में? इट इज फॉर्म्ड बाय द डीके ऑफ यूरिया। आप लोगों ने 10th क्लास में शायद नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा बायोलॉजी में, ठीक है? तो उसमें राइबोज करके पता नहीं से कुछ एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो आपके पास कहाँ मिलता है? रूट्स के अंदर मिलता है, राइबोसोम में से कुछ बोलते हैं उसको, ठीक है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं है उसका, राइबोसोम का कुछ नाम होता है। तो क्या करता है, बेसिकली जो भी आपके पास यूरिया प्रेजेंट होता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है? अमोनिया के, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, मतलब या तो कार्बोनेट्स में या नाइट्रेट्स में, इस तरह कन्वर्ट करता है। तो जो भी यूरिया है वाटर सैचुरेट करके बनाते हैं पास अमोनियम कार्बोनेट, जो फर्दर डीकम्पोज होकर क्या बनाता है आपकी, बहुत स्मॉल अमाउंट बनती है, ठीक है, ट्रेसेस के अंदर पाई जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट यहाँ पे फॉर्म इसका नहीं होता। तो अगर आपसे कोई पूछता है नेचर में किस तरह फॉर्म होती है, तो नेचर में फॉर्म होती है बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, NH2CO NH2। सेकेंड है आपके पास स्मॉल स्केल पे, अगर आपको इसको ऑप्टेन करना है तो आप अमोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन किसी भी एक एल्कली से करवाओ, बेस से करवाओ, तो आपके पास क्या फॉर्म होती है? अमोनिया। ये रिएक्शन से आपके पास जैसे NH4Cl की रिएक्शन आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाई तो आपको क्या मिलेगी? अमोनिया, ठीक है। सेकेंड अमोनियम सल्फेट है, कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लो, उसकी रिएक्शन अगर आप एल्कली से करवाते हो तो आपके पास क्या बनेगी? अमोनिया, ठीक है, ये समझ में आता है आपको। थर्ड होता है इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, जो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, हेबर्स प्रोसेस, N2+3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है। रिएक्शन हमेशा क्या रहती है? इक्विलिब्रियम में, पढ़ा है ना ये रिएक्शन। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2NH3 गैस। एक बार हम बेसिक कैरेक्टर वापस से डिस्कस करेंगे, ऑर्डर उल्टा होगा, बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, रीजन कुछ और बताता हूं। पहले तो बताओ ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है एंडोथर्मिक होती है? बोलो भाई, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव। और हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से टेम्परेचर पे फेवर करती है, लो पे या हाई पे? लो टेम्परेचर पे। तो इस रिएक्शन का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। प्रेशर के बारे में बताओ, प्रेशर कम होना चाहिए ज्यादा? क्यों?
अगर हम यहां पे ली चेटलेस प्रिंसिपल लगाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन वहां मूव करती है जहां टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीज होते हैं। इधर गैसियस मोल्स कितने हैं? 4। इधर कितने हैं? 2। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन 4:2 यानी फॉरवर्ड मूव करेगी। मुझे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करवानी है यानी इस रिएक्शन के लिए जो सूटेबल कंडीशन होगी दैट विल बी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मतलब ये नहीं था कि 10 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, इंडस्ट्रियली लो टेम्परेचर होता है 400-500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो हमारे लिए बहुत आई है। तो इस रिएक्शन के लिए जो सूटेबल प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है वो होता है आपके पास इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर कितना होता है अराउंड 700 केल्विन यानी 500-600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। दैट टेम्परेचर इज लो, इंडस्ट्रियल स्केल पे लो टेम्परेचर ही है। समझ में आता है आपको? तो इसकी फेवरेबल कंडीशन आपको याद रखनी है क्या क्या, हाई प्रेशर वैल्यूज याद नहीं रखनी है और लो टेम्परेचर। उसके अलावा यहां कैटलिस्ट काम में आते हैं, आपको याद है कौन सा? Fe पढ़ा है कभी? पढ़ा होगा। यहां पे आयरन क्या होता है आपके पास? ऐसे कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट है आपके पास स्मॉल अमाउंट्स ऑफ K2O एंड Al2O3। इस रिएक्शन की कंडीशंस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर एंड अ कैटलिस्ट दैट इज Fe या Fe2O3 या Fe मॉलिब्डेनम, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। इसके अलावा इसकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज साइनामाइड। ये होता है साइनामाइड CaCN2। इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा आपके पास? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो आप लोग, ये याद रखना। जब भी आप साइनामाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपके पास क्या बनती है? हमेशा अमोनिया, दैट इज योर NH3। देखो यहां आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे ना तो बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। क्यों होता है बताता हूं आपको। देखो अगर हम साइज का वेरिएशन देखें, नाइट्रोजन सबसे छोटा होगा, फास्फोरस उससे बड़ा, आर्सेनिक उससे बड़ा और Sb उससे ही बड़ा। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, चार्ज अपॉन साइज का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? नाइट्रोजन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन भी सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? नाइट्रोजन के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को सबसे इजीली डोनेट करना चाहेगा ताकि रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। यहां पे साइज बढ़ रहा है तो सरफेस के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो रहा है यहां पे? डिक्रीज हो रहा है। अगर चार्ज पर यूनिट एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रिपल्शन भी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन यहां पर होगा, इसलिए सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, जबकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। तो इसलिए आपके पास यहां पर क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग, ये याद रखना, यहां वेरिएशन ये वाला। ठीक है, टॉप टोन जाने पर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन चार्ज डेंसिटी। तो ये आपके पास 3-4 मेथड्स थे NH3 बनाने के। पहला मेथड क्या था? बाय द डीकंपोजिशन ऑफ यूरिया। अगर आप यूरिया को डीकंपोज करते हो तो क्या बनेगी? NH3। दूसरा, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स, किसी अमोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन आप एक बेस से करवाओ तब भी आपके पास क्या बनेगी? NH3। That can also be called as alkaline hydrolysis. Third reaction, Haber's process, high pressure, low temperature and a catalyst. Fe molybdenum use कर सकते हो, iron oxide use कर सकते हो. Third, by the hydrolysis of this cyanamide. Physical properties के बारे में अगर इसकी बात करें हम तो सबसे पहला, it is a colorless gas with characteristic pungent odor. Smell देखी आप लोगों ने इसकी? मतलब देखते थोड़े, मतलब smell किया है कभी? चलो बताऊंगा बाद में कहां पे मिलता है। बहुत बार स्मेल किया होगा आपने, जब पब्लिक टॉयलेट में जाते हो ना, जो स्मेल होती है सेम स्मेल होती है NH3 की। ठीक है, तो अब तो स्मेल किया ना सबने, या अब भी नहीं किया? वहां तो नहीं आती यार, ऐसे मत बोलो, साफ सफाई के मामले में नहीं बोल सकते आप। सेकेंड, इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वॉटर। अमोनिया इज हाईली सॉल्यूबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर के साथ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है और इसी वजह से वाटर में क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल। एग्जांपल आपके सामने है, 1 लीटर वाटर में आप 1300 लीटर NH3 डिसॉल्व कर सकते हो एट STP 0 डिग्री सेल्सियस एंड 180 atm प्रेशर। द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्ड, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। अगर आप NH3 को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनता है? NH4OH, विच इज अ
वीक बेस। NH4OH, a weak base. इसीलिए इसका aqueous solution क्या होता है? Basic in nature. समझ में आता है? Then structure of ammonia. Structure of ammonia अगर हम बात करें, तो हमने पढ़ा हुआ है nitrogen, ammonia. Sorry, कौन सी state में होता है यहाँ पे? sp3 hybridization state में. Due to lone pair bond pair repulsion, इसकी structure क्या हो जाती है? Pyramidal. होनी क्या चाहिए? टेट्राहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है? पिरामिडल। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, और जब भी रिपल्शन होता है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो एक्चुअली बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, लेकिन होता कितना है? ठीक है, जैसे 8 दिया हुआ इसमें, 0.5, कहीं कहीं 0.5 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं 0.8 लिखा मिलेगा आपको। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज किसकी वजह से होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। तो इसके स्ट्रक्चर ये तो आपने पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने को नहीं है हमारे पास। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको अमोनिया सॉल्यूशन को ड्राई करना है तो आप इसको कॉमन ड्राइंग एजेंट्स के साथ ड्राई नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अमोनिया इन सब रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती है। देखो ये एक एसिड है, ये भी नेचर में कैसा होगा? एसिड। इन दोनों के साथ NH3 क्या होता है? एक बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगी, और उनका क्या बनेगा? रेस्पेक्टिव सॉल्ट्स बन रहे। CaCl2 ये एक लुईस एसिड की तरह काम करेगा, और ये एक लुईस बेस की तरह, और यहां पे ये क्या बनाएंगे? एक एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस हमेशा क्या बनाते हैं? एक एडिशन प्रोडक्ट जिसे हम क्या बोलते हैं? एडक्ट। तो इन तीनों को आप इसके डिहाइड्रेशन के लिए काम में नहीं ले सकते हो। तो फिर सवाल आता है, इसका डिहाइड्रेशन करेंगे कैसे? इसलिए इसकी डिहाइड्रेशन के लिए हमें क्विक लाइम यूज करना पड़ता है। क्विक लाइम जानते हो? CaO, जिसको वाटर में डिसॉल्व करो तो क्या बन जाएगा? CaOH होल ट्वाइस। अब CaOH होल ट्वाइस भी क्या है? एक बेस। NH3 भी क्या है? एक बेस। दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। ये क्या हो गया? इसकी रिएक्शन कहां गई? इसकी रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन की जरूरत भी नहीं है भाई। NH3 भी क्या है? एक बेस है। CaOH होल ट्वाइस भी क्या है? एक। दोनों रिएक्ट नहीं कर सकते, तो अब आप इससे अमोनिया सॉल्यूशन को डिहाइड्रेट कर सकते। ठीक है, एक्वस अमोनिया को आप यहां से डिहाइड्रेट कर सकते। समझ में आया? अगर आपको ड्राई अमोनिया चाहिए तो आप इन सबको एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज। क्लियर सबको? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। चले आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहला कंबस्टन, ये कौन सी फ्लेम के साथ बर्न हो रही है? येलो फ्लेम। तो ये हमें याद रखना होगा, NH3 बर्न्स विद अ येलो फ्लेम, और बर्न होने के बाद ये क्या बनाएगी? सिंपल N2+6H2। अगर आपने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में इसको बर्न किया है तो ये क्या बनाएगी? N2+H2O। लेकिन अगर आपने इसको प्लेटिनम के ऊपर पास कर दिया तो आप पास क्या बनाएगा? NO+H2। तो ये दो रिएक्शन याद रखनी है। अगर कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है, कोई कैटलिस्ट नहीं है, तो क्या बनेगी? नाइट्रोजन। लेकिन अगर आपने प्लेटिनम कैटलिस्ट के ऊपर पास कर दिया है तो क्या बनेगी? NO। ये रिएक्शन हम लोग आगे यूज करेंगे इन ऑस्ट्रोल्स मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। जब भी आप NH3 को प्लेटिनम गैस के ऊपर पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, तो आपके पास क्या बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। क्लियर है? सेकेंड रिएक्शन विद क्लोरीन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप क्लोरीन में भी पढ़ोगे, आप इसे NH3 में भी पढ़ रहे हो। दो कंडीशन होंगी, एक बार NH3 एक्सेस में होगा और एक बार क्लोरीन एक्सेस में होगा। तो पहला केस है आपके पास जब क्लोरीन एक्सेस में, क्लोरीन एक्सेस में तो क्या बनेगा? NCl3। ठीक है, और जब आपके पास अमोनिया एक्सेस में तो क्या बनेगी? नाइट्रोजन गैस। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो और ये आपको याद होनी चाहिए। कर सकते हैं, बात वो होती है ना, कॉस्ट कितनी है आपके पास इंडस्ट्री। जब आप देखते हो ना, जब आप बनाने बैठते हो, एक जगह 100 रुपए खर्च हो रहे हैं, एक जगह 5000 रुपए खर्च हो रहे हैं, आप कहाँ से बनाना चाहोगे? सस्ता पड़ना चाहिए बेसिकली, कि अल्टीमेटली नाइट्रोजन आपको बेचनी है, तो बेचनी है तो प्रॉफिट होना चाहिए। आप 5000 की बनाओगे तो 6000 की तो बेचोगे, तो कौन खरीदेगा 6000 की? अमोनियम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो सकता है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस।
समझा नहीं मैं। जैसे NH4Cl है और CaOH होल्ड ट्वाइस है, तो वो NH4OH बनाएगा और CaCl2 बनाएगा, तो उसको हीट करेंगे तो ब्रेक करेगा ना NH4OH। किस में? NH3OH2। तो वैसे ही ब्रेक होगा ना, वो एक्वा सोल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। जैसे आप सोल्यूशन आप सोल्यूशन को हटाओगे, सोल्यूशन से बाहर निकालोगे, तो हमेशा एन एच थ्री की फॉर्म में आएगा। इसे तो डी एडिटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। और कोई भी अमोनिया का जो सॉल्ट होगा ना, देखो सॉल्ट क्या होता है, एसिड बेस का कॉम्बिनेशन। अगर आप कहते हो एन एच फोर सी एल, तो एन एच फोर सी एल क्या है, ये वीक बेस से आया है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया। जैसे इसको पानी में डालोगे क्या बनाएगा, एन एच फोर ओ एच प्लस एच सी एल। अब आप इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो, एक बेस से, ये एसिड ये बेस यूटिलाइज करेंगे एक दूसरे को, यहां से क्या बन जाएगा NH4OH। तो देखो ये एक बफर बनता है, यहां बफर फॉर्म हो सकता है। क्यों? अगर यहां पे कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुई तो कुछ सॉल्ट बच जाएगा और कुछ क्या बन जाएगा, बेस। तो इस तरह से क्या बना सकते हैं, बफर। ठीक है, तो रिएक्ट करता है हमेशा सॉल्ट, क्योंकि इसके जो सॉल्ट होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक सॉल्ट होंगे जनरली। अगर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तब फिर वो रिएक्ट करेगा नहीं करेगा कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। चले आगे। ठीक है, तो ये थे रिएक्शन विद क्लोरीन। अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो NCl3 बनेगी, NH3 एक्सेस में होगा तो N2 बनेगी। यानी हमें N2 बनाने का एक और मेथड पता लग गया है, एक्सेस ऑफ NH3 को Cl2 से पास करो तो क्या बन जाएगी, N2। नेक्स्ट, रिएक्शंस ऑफ एक्वस अमोनिया। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जिनको आप डी ब्लॉक में भी पढ़ोगे, जिनको आप सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ोगे। ठीक है, जिन लोगों ने डी सॉल्ट पढ़ लिया है वो भी पहचान जाएंगे, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको बाद में याद आ जाएगा अपने आप। ठीक है, एक्वा समूलिया जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इट्स NH4OH। तो चाहे आप AQNH3 लिख दो या फिर आप NH4OH लिख दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, ये जनरली आपके पास जब भी एक्वा समूलिया किसी मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करेगी, मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन से रिएक्ट करेगी, तो ये उसके हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट करती है। ये जो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होते हैं इनमें से कुछ एक्सेस अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं जबकि कुछ एक्सेस अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सॉल्युबल होता है कौन कौन सॉल्युबल नहीं होता है। समझ में आता है? तो सबसे पहली चीज, एक्वस अमोनिया रिएक्ट्स मेटल टू प्रेसिपिटेट देयर हाइड्रोक्साइड फर्स्ट। पहले क्या प्रेसिपिटेट होंगे, हाइड्रोक्साइड, उनमें से कुछ सॉल्युबल होंगे कुछ इनसॉल्युबल होंगे। तो हम बात करते हैं कौन से सॉल्युबल होंगे और कौन से आपके पास इनसॉल्युबल। सबसे पहला, मेटल्स विच फॉर्म PPT विच इज नॉट सॉल्युबल। ठीक है, किसी को ग्रुप थर्ड याद है सॉल्ट एनालिसिस का, क्या पूछ लिया मैंने, आई कार फरारी याद है किसी को, सब साफ। देखो आपके पास तीन मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम 3+ Fe3+ एंड CR3। ये सॉल्ट एनालिसिस के ग्रुप थर्ड में पढ़ोगे आप लोग। ठीक है, तीन कैटायन होते हैं, इनका हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे सॉल्ट एनालिसिस में। जब भी आप इनके सॉल्ट्स के अंदर +3 सॉल्ट्स के अंदर, जैसे CrCl3 हो गया, इसके अंदर अगर आपने NH4OH पास किया तो ये PPTs बनाते हैं इनके रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स के, और हर PPT का कलर क्या होता है, अलग। PPT कलर से आप पहचान सकते हो कि अभी कौन सी मेटल है। मैंने आपको पहले बताया था क्रोमियम के +3 कंपाउंड जनरली कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन। तो यहां पे आपके पास ग्रीन PPT फॉर्म होगा ऑफ CrOH होल थ्राइस। समझ में आता है? सिमिलरली जब आप एल्यूमिनियम से रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस का एक व्हाइट PPT। सिमिलरली जब आप इसकी रिएक्शन FeCl3 से करवाओगे तो आपके पास FeOH होल थ्राइस का एक रेड PPT फॉर्म होगा। तो ये कलर आपको याद रखने, ग्रीन व्हाइट रेड। जब भी आप Fe के किसी +3 सॉल्ट से, Cr के +3 सॉल्ट से, एल्यूमिनियम के +3 सॉल्ट से एक्वस अमोनिया पास करोगे, आपके पास हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होंगे जिनके कैरेक्टरिस्टिक कलर होंगे, एंड दीज आर इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ अमोनिया। क्लियर है? रिएक्शन लिख लो, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना है ग्रुप थर्ड के टाइम्स हैं।
हो गया। फिर देखो आगे, मेटल्स हुज पीपीटीज आर सोल्यूबल। कुछ लोगों को शायद याद होगा कौन कौन से मेटल सोल्यूबल होती है NH3 में, एक्वस NH3 में। बोलो भाई, कोर्स पूरा होने वाला है, कोर्स पूरा होने वाला है आप लोगों का, इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो आप लोग। बताओ आता तो है, बोल नहीं रहे हो बस, गलती तो बोलोगे, बोल दो क्या हो गया। कॉपर और जिंक, जिंक सिल्वर कैडमियम, हाँ कैडमियम भी ठीक है। कुछ मेटल्स हैं जो आपके पास एक्सेस ऑफ अमोनिया में डिसॉल्व हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अमोनिया पास करते हो एक्वस अमोनिया लिमिटेड अमाउंट में, तो पहले एक ब्लू कलर का पीपीटी फॉर्म होगा, दैट विल बी ऑफ CuOH होल ट्वाइस, ये एक ब्लू पीपीटी होता है। अगर आपने एक्सेस में पास किया अमोनिया तो क्या बन जाएगा, CuNH3 होल ट्वाइस प्लस का एक कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल फोर ट्वाइस प्लस, जिसका कलर कैसा होता है, डीप ब्लू। और एक चीज और लिख देना, द डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डाई टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स है, टेट्रामीन कॉपर सेकंड आयन, इसका अगर आप IUPAC नेम लिखोगे तो, और इसका ब्लू कलर होता है ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये याद रखना, ये एक रीजनिंग पूछी जाती है कभी कभी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वाटर में जो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते, जैसे एक आयन हाइड्रेट होता है ना, सेम उसी तरह से। बोला ना, सिल्वर कॉपर जिंक कैडमियम, ये जनरल मेटल्स जो NH3 के अंदर सॉल्युबल होती है, निकल भी होता है। चलें आगे, सिल्वर ये भी एक डायमीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैडमियम डायमीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके अलावा जिंक जो एक डायमीन कॉम्प्लेक्स बनाता है ZnH3 होल फोर 2+, सेम इसी तरह का। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ नहीं। चार में चार ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन एक्वस अमोनिया, तो आपको देखना पड़ेगा कौन कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, जो नहीं बनाएगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद HG2Cl2। क्या बनता है, मुझे तो सिर्फ कलर बता दो, कौन से कलर का पीपीटी बनता है। आप लोगों का भी नंबर आएगा ऐसे जब सॉल्ट पढ़ोगे ना, आप ये रिएक्शंस पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए। जब सॉल्ट आएगा ना तब आप लोग भी ऐसे नहीं करोगे, कहीं ऐसे इनकी जैसे कर रहे हो। दो सेक्शन है ऐसे और ऐसे, देखो ये जो रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं वो जो रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो आपकी हालत भी ऐसी हो जाएगी थोड़े दिनों बाद, क्योंकि आप लोग भी नहीं पढ़ते उनको रोजाना। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कंपाउंड बनता है NH2HG HgCl, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लैक। लेकिन ये कंपाउंड क्या होता है, अनस्टेबल, और ये वापस से क्या होता है, ब्रेक होता है इंटू HG+NH2HgCl, ग्रे पीपीटी। चीख चीख कर बोला था, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। था अब याद रखना, अब मत भूलना। इसके आगे भी कोई रिएक्शन होती थी ऐसी, कोई एक और रिएक्शन होती है, हाँ आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस, कब बनता है वो,
किससे रिएक्ट करवाते हैं, किसकी रिएक्शन करवाते हैं? कुछ एन से नाम होता है, एन नेस्लर्स नेस्लर्स एजेंट। फॉर्मूला क्या होता है उसका? वो भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नेस्लर्स एजेंट। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मरकरी की टेस्टिंग की रिएक्शंस हैं। मरकरी की टेस्टिंग हम इन्हीं दो रिएक्शन से करते हैं, ये आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। नेस्लर्स रिएजेंट इज K2HgI4, इसको हम नेस्लर्स रिएजेंट बोलते हैं। जब आप HgCl2 की रिएक्शन Ki से करवाते हो तो पहले ये HgI2 का एक येलो पीपीटी फॉर्म करता है, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन अगर आप एक्सेस ऑफ Ki से करवाते हो तो ये K2HgI4 बनाता है, विच इज कॉल्ड योर नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है। तो पहले तो ये रिएक्शन, अब ये जो नेस्लर्स एजेंट होता है इसकी रिएक्शन अगर आप किसी भी अमोनियम सॉल्ट से या एक्वास अमोनिया से करवाओगे तो आपके पास एक ब्राउन कलर का पीपीटी फॉर्म होता है जिसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है और उसे हम जानते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस ऑफ पीस के नाम से, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है इसकी K2HgI4 प्लस कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, एक्वास अमोनिया हो, उसकी रिएक्शन आप किससे करवा दो? नेस्लर्स एजेंट से, तो आपके पास ये कंपाउंड बनता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, इट्स NH2HgO HgNI, और इसे हम बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस, IMB, ठीक है। इसको याद रखना, अगर कभी भी मरकरी पे कोई क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये जरूर मिलेगी दो रिएक्शंस, ठीक है। आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन, रेड ब्राउन भी बोल सकते हैं, ब्राउन भी बोल सकते हैं। इट इज नोन एज आयोडाइड ऑफ मिलियन स्पेस। चलो हमने Hg2Cl2 देख रहे हैं, अब तो हम इसकी एक छोटी सी रिएक्शन और देख लेते हैं। Hg2Cl2 की रिएक्शन में दो तरह से करवा सकता हूं, एक SnCl2 के साथ और एक SnCl4 के साथ। क्या क्या बनेगा? यहां से क्या बनेगा? Hg, और यहां से सही है, क्लियर। देखो आप लोगों को बता दूं, यहां पे एसएन कौन से स्टेट में है? प्लस टू से कहां जा सकता है ये? अगर प्लस टू से ये प्लस फोर में जाएगा तो इटसेल्फ क्या होगा? ऑक्सीडाइज। अगर खुद ऑक्सीडाइज शामिल हो क्या करेगा? यहां पे एचजी प्लस वन स्टेट में, प्लस वन से इसको कहां भेज देगा? यहां पे एसएन कौन से स्टेट में? क्या प्लस फोर से ऊपर जा सकता है? तो कहां जाएगा? नीचे, सॉरी, जाएगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। तो सामने वाले क्या करेगा? इसको प्लस वन से कहां भेज देगा? ये भी मरकरी की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्या आप HgCl2 को डायरेक्टली Hg में कन्वर्ट कर सकते हो? आप इसकी रिएक्शन किससे करवा दो? एक्सेस ऑफ SnCl2 या 4? 2 के साथ, ठीक है, क्योंकि इसको आपको रिड्यूस करना है, तो SnCl2 से रिएक्शन। तो ये साइकिल याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मरकरी का। हो गया, चलिए आगे। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास HNO3, ठीक है। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे बनाते हैं तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए, ऑस्ट्रोल्स मेथड, जिसकी पहली रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। अगर आप NH3 को एयर के साथ प्लेटिनम सरफेस से पास करोगे तो आपके पास क्या बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड,
जिसका फर्दर आप किसमें ऑक्सीजन करते हो, NO2 में। इस NO2 को आप वाटर में डिजोल्व करो तो क्या बना लेगी, HNO3। बहुत सिंपल प्रोसेस है। NH3 से क्या बनाओगे पहले, NO। NO से क्या बनाओगे, NO को फिर से ऑक्सीडाइज करो। इसको हम कैटेलिटिक कन्वर्टर में पास करते हैं, जहां पर ये रिएक्शन होती है उसको कैटेलिटिक कन्वर्टर बोलते हैं। और इसका डायग्राम NCERT लाए ना सब लोग, लाए तो NCERT के पेज नंबर 171 पे आओ, आपको ये एक डायग्राम दिखेगा, कुछ बॉक्सेस बने हुए दिखेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को आप देखोगे तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे कैसे कहां कहां से कौन कौन सी रिएक्शन। पर ये तो लिक्विड अमोनिया वाली, एक सेकंड रुको, HNO3 की भी होनी चाहिए, नहीं नहीं इसमें नहीं दी हुई है, चलो इसके अंदर नहीं दी हुई है, बट पेज नंबर 174 पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो उसको आप देख सकते हो, वो सेम यही है। चलो कोई बात नहीं, हम देखेंगे। तो सिंपल, आपके पास NO2 होता है, इस NO2 को आप क्या कर दो, वाटर के अंदर डिजोल्व कर दो, तो ये क्या बनाता है आपके पास, HNO3, ठीक है। HNO3 से यहाँ पे जो आपके पास ये एसिड बनेगा, आप NCERT में देख सकते हो, ये जो एसिड बनता है इट इज अप टू 68% बायमास, ठीक है। और इसको जब आप कॉन्सेंट्रेट करो, अगर आपको इसको और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, इसका आप सिंपली डिहाइड्रेशन कर दो। डिहाइड्रेशन करोगे, अभी सोल्यूशन फॉर्म में है ना, तो वाटर बाहर निकल जाएगा, सॉल्वेंट कम हो गया तो सोल्यूट की परसेंटेज अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अप टू 98% बाय मास आप इसको क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, ठीक है। फिर फर्दर तो आप 10 फर्दर ये दिखाई दिया आपको, कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ ये नीचे, ठीक है। तो आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो बेसिकली, इसलिए सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो रहा है, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। दूसरा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, याद रखना। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में कौन से फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन फ्यूम्स, दैट इज ड्यू टू NO2। जो डिसॉल्वड NO2 होती है ना वो बाहर निकलती है, जैसे फ्यूमिंग H2SO4 होता है, वहां कौन से फ्यूम्स निकलते हैं, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ SO3। सेम उसी तरह फ्यूमिंग HNO3 होता है, जहां पे कौन से फ्यूम्स निकलेंगे, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2। ये सी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप एक बार नजर डाल लो। इट इज अ कलरलेस लिक्विड हैविंग पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल किसकी वजह से होती है, NO2 की वजह से। इट्स कलर चेंजेस टू ब्राउन व्हेन इट हैज सम NO2 डिसॉल्वड इन इट। थर्ड, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, सॉरी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। कोई ऐसा नहीं है कि इतना वाटर चाहिए, इतना H2SO4 चाहिए, जितना डालोगे सारा सारा क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इट बिकम्स येलो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जब इसका डीकम्पोजिशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो दो गैसेस बनती है, एक ब्राउन गैस और एक गैस जो कंबशन को सपोर्ट करती है, दैट इज ऑक्सीजन, NO2 प्लस O2, ये याद रखना, ठीक है। HNO3 जब भी डीकम्पोज होगा क्या बनाएगा, NO2 अलॉन्ग विद O2। इट इज एक्सट्रीमली कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन। जैसे आप स्किन पे डालते हो तो सारा वाटर बाहर निकाल देता है स्किन से, जो टिश्यूज होते हैं उनका वाटर बाहर निकल गया तो डेड हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे तो आपकी स्किन आपको क्या दिखती है, कोरोड जली हुई दिखती है, ठीक है। इसलिए कोई भी एसिड हो सबका कोरोसिव एक्शन सेम होता है, वो हमारे सेल से क्या करते हैं, वाटर को बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या, ये एक स्ट्रांग एसिड है और जनरली ये एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्योंकि ये क्या करता है, डीकम्पोज होने पर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लाइक दिस NO2 प्लस O प्लस H2, वो बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को। तो इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, ये स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी हैं, ठीक है। हम लोग अभी इसको कवर अप नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग यहीं तक करेंगे, एक दो बातें करते हैं इसके बारे में, लेकिन इसकी रिएक्शन हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के साथ पढ़ेंगे, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स। बोर्ड्स में हर दूसरे तीसरे साल वो रिएक्शन पूछी जाती हैं, पिछले से पिछले साल पूछी गई थी तो चांसेस है इस साल वापस से पूछी जाएगी। हर साल एक नई मेटल की रिएक्शन पूछी जाती है। दूसरा, जेई में भी पूछी जाती है, जेई में पूछी गई है, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको याद आएगा। उन रिएक्शंस को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा, कई लोगों को तो मैंने सिखा रखी है ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग करना, आप लोगों को भी रेडॉक्स की बैलेंसिंग आती होगी बाय ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम उससे बैलेंसिंग करेंगे और बहुत आसानी से आप उनको याद रख लोगे। आपको छोटी छोटी दो तीन चीजें याद रखनी होगी, वो याद है तो आप सारी रिएक्शंस को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हाल फिलहाल ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जनरली कॉमन जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन सबको क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। जैसे इसको मिलाकर एक सॉल्यूशन बनता है, इसे हम बोलते हैं एक्वा रिजिया, जानते हो, मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, किस काम में आता है,
गोल्ड को डिजोल्व करने में, तो इसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, याद रखना. क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर. और जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी सफाई के लिए कौन सा वाटर काम में आता है? ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर है. HON डबल बॉन्ड हो, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही है आपके पास. ठीक है, यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो, ये बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी शो कर सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो N प्लस O माइनस. ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आप देख सकते हो आराम से, कोई ज्यादा वो नहीं है. इसकी प्रॉपर्टीज है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे. इसकी एक ही रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो मेटल्स हम रिएक्शन से पढ़ेंगे, कॉपर के साथ पढ़ेंगे, जिंक, टिन, आयरन, क्रोमियम, बहुत सारे मेटल्स हैं, सबके साथ पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या कंपाउंड्स फॉर्म. ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे इसी को, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन, और कल नाइट्रोजन फैमिली हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरी खत्म कर देंगे. ठीक है.